हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नाजियाज लाइव। कैसे हैं आप लोग? सो आज है सैटरडे और रात के बज रहे हैं 10:30। हम लोग जा रहे हैं मेरी बहन की शिफ्टिंग करवाने, जबकि मेरे बैक पे भी पेन है तब भी मैं जा रही हूँ उसके लिए। तो अभी बस मैं आपको इंशाल्लाह पहुँच के वहाँ पे मिलूँगी। मैंने सोचा छोटा सा इंट्रो आप लोगों के लिए शूट कर लूँ, तो चलिए मैं वहाँ पहुँच के आपसे मिलती हूँ। सो गाइज मैं उसकी बिल्डिंग में हूँ, लिफ्ट पे पहुँच गई हूँ। अभी सामान नीचे उतारेंगे, सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो आपसे मिलते हूँ थोड़ी देर में। मैंने पहले मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊँगी, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो आपको मैं सामान दिखाती हूँ उसका। सो ये देखिए इसका सामान, एक ये कार्टन पड़ा है, नीचे भी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। गाइस समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, आप देखिए पूरा सामान इधर उधर इधर उधर। मेरे भाई भी थोड़े परेशान से, क्योंकि पूरा घर शिफ्ट करना आसान नहीं है, है ना भाई? बहुत परेशान है, दोनों जन परेशान है। मैं उसको ली हूँ, थोड़ा बहुत ली हूँ उसको, काम कर रहा है ना सब, इस वजह से अभी सब अंदर फर्नीचर सब खुल रहा है उसका। और मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ, क्योंकि खाना वाना खा के सब घर समेटा मैंने, और फिर मैं अभी निकली हूँ घर से। मैं फर्नीचर सेट करना है मुझको, सारा सामान हो चुका है, बस यहाँ से जो सामान जाएगा वो वहाँ पे सेट करना है। मैं इसकी बैल्कनी में आती हूँ, ये इसकी बैल्कनी है, ये इसका घर है, सब काम कर रहे हैं। अभी मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करूँगी, मैं थोड़ा बहुत हाथ बटाती हूँ उन लोगों का, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, इंशाल्लाह आपको वो वाले घर में मिलती हूँ। आप कुछ बोलना चाहेंगी? कैसा लग रहा है आपको, आपकी बहन का घर शिफ्ट हो रहा है, अपने घर में जा रही है वो? बहुत खुशी हो रही है माशाल्लाह, रहना नसीब करे, किस्मत बुलंद करे, बरकत दे, बस हम। सो गाइज आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सारा सामान पैक हो चुका था, बस निकलना बाकी था। फर्नीचर किसी और ने लिया था, फर्नीचर उसने पूरा नया बनवाया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके घर पे यहाँ पे फ्रिज निकल रही थी उसकी, और बहुत जब चीज़ें ऐसी होती हैं, फ्रिज वॉशिंग मशीन ये सब बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है ये सब चीज़ों में। और रात का वक्त था तो हम लोग लिफ्ट से ले जा पा रहे थे, वरना हम लोगों को सीढ़ी से निकालना पड़ता। तो अब हम लोग उसके बिल्डिंग के प्रमाइसिस में एंटर हो चुके हैं, और थोड़ा स्लोप से जाके फिर उसकी पार्किंग आती है। यहाँ आप उसकी बिल्डिंग देखिए, ये है उसकी बिल्डिंग। सो अब हम लोग एंटर हो रहे हैं अंदर। अब आ गया है वो मोमेंट जब वो ख़ुद पहली बार देख रही, पूरा कंप्लीट होने के बाद। वो बीच में आती जाती थी, लेकिन अब जब पूरा कंप्लीट हो गया तब वो भी देखेगी और हम लोग भी देखेंगे। तो अभी वो अपनी कीज़ ले रही थी अंदर दरवाजे की, और आप अंदर ही जाते उसकी खुशी भी देखिएगा। आगे अभी बिस्मिल्ला करके हम लोग अंदर जा रहे थे, सो आप उसके चेहरे की खुशी देख सकते हो, शी वॉज़ वेरी हैप्पी। वो इमोशनल मोमेंट था हमारे लिए। मुंबई जैसी सिटी में ख़ुद का घर होना एक बहुत ही अपने में बहुत ही बड़ी बात है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। अल्लाह सबको ऐसी किस्मत दे, अल्लाह पाक, और सबका अपना अपना घर हो इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हो, जो कॉम्बिनेशन मेरी सिस्टर ने लिया है अपने लिविंग एरिया के लिए, वो ब्लैक ग्रे और क्रीम जैसे बेज कलर्स हैं। और उसने जो टेक्सचर पसंद किए वो मेरे भाई की पसंद है ये टेक्सचर, मतलब सबकी चॉइस मिला के ये चीज़ बनी है। सब ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, टेक्सचर्स मेरे डैड के फ्रेंड ने करा है, मतलब मेरे डैड के ही सारे बंदे हैं, और जो पीओपी का काम है वो भी मेरे डैड के फ्रेंड ने करा है।
और अब आप टेक्सचर और सारी चीज़ें आप देख सकते हो कितनी ही अच्छी लग रही है एक साथ। और जो आपने एक चीज़ भूल गए, सीलिंग का टेक्सचर देखना, अभी आप आगे मैं आपको दिखाऊंगी सीलिंग का टेक्सचर। और यहाँ पे जो सोफ़े हैं और सेंटर टेबल है सोफ़े की और टीवी यूनिट है, उसका जो कॉम्बिनेशन रखा है वो थोड़ा मिलता जुलता ही रखा है। अब आप मेरे जीजा को भी देख सकते हो, इतने खुश थे। और किचन की आप यूनिट्स देख सकते हो, ऊपर बनवाई है और कुछ बिल्डर्स ने अपने तरफ से बना के दी थी। और चिमनी और सब चीज़ हम लोग ने अलग से, मेरी बहन ने परचेस करी है। नीचे के जो आप चीज़ें देख रहे हो और जो सिंक वगैरह है वो सब बिल्डर ने करा था, बस ये जो चिमनी है वो मेरी बहन ने अलग से बीच में लगवाई थी। और उतनी स्पेस उन्होंने करके दी थी कि आप चिमनी वगैरह ऑप्शन ले सकते हो। ये वॉशिंग एरिया है तो यहाँ पे बेसिकली एक वॉशिंग मशीन रखेंगी मेरी बहन, जो भी चढ़ने वाली थी थोड़ी देर में, जब तक मैंने सोचा कि वीडियो बना लेती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर मैस हो जाएगा, फिर सारा सामान आ जाएगा। तो ये कॉमन बाथरूम है, फिर एक रूम का दरवाज़ा, किचन से ही दोनों चीज़ें आती हैं, क्योंकि मैंने बताया ओपन किचन है। तो अब बेडरूम का हिस्से आते हैं, तो यहाँ पर पूरा POP का काम हुआ है, यहाँ पर बेड लगा है और ये पूरा एक पूरा हम लोग ने डिज़ाइन किया है, मेरी बहन ने, मेरे डैड ने, मेरे जीजा ने, सब ने मिल के, सबका अपना अपना आइडिया था। और फ़ैन वगैरह भी बहुत सोच समझ के लिया है। और यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोलिक सारे ऊपर कैबिनेट्स बने हुए हैं, सारा हम लोग ने बनवाया है, मेरी बहन ने, मतलब मेरे जीजा मेरी बहन ने, तो सारा उनका आइडिया है। और आप यहाँ पे एक एक चीज़ उन लोगों ने नई ख़रीदी है, बस जो थोड़ा बहुत सामान था वही उन लोगों ने लिया है, बाकी कोई चीज़ उन लोग नहीं लेकर आए अपने साथ। और आज मैं अपनी बहन को होम टूर इसलिए करवा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला था कि आप ज़रूर अपनी बहन का होम टूर करिएगा। जो मुझे पर्सनली भी जानते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार था मेरी बहन का होम टूर, और वो मेरी वीडियो से ही पॉसिबल था। तो आप उसके कबर्ड के अंदर स्पेस भी देख सकते हो कितना अच्छा स्पेस है, क्योंकि बहुत जल्दी आपको इतना स्पेस नहीं मिलता है, उसने खुद बोल के करवाया ये। हम लोग एंटर हो चुके हैं, बैठे हैं थोड़ा, अभी से बस सामान नीचे आ चुका है, सब लाने जा रहे हैं और बाद में शायद ही मैं व्लॉगिंग कर पाऊँ। मैंने आपको सारा घर दिखा चुकी हूँ, सारी टूर दे चुकी हूँ मैं आप लोगों को, कुछ बाकी नहीं। बाथरूम दिखाया नहीं क्योंकि थोड़ा अभी काम हुआ है ना तो गंदा पड़ा है, तो इस वजह से। तो आपको सारी चीज़ें मैंने दिखा दी हैं, अगर मैं आगे बना पाऊँगी तो मैं आपके लिए ज़रूर वीडियोस इसको कंटिन्यू करूँगी, वरना मैं आपको कल सुबह मिलूँगी, क्योंकि हम लोग भी थक चुके हैं, मेरी बहन भी थक चुकी है, सब थक चुके हैं इस वजह से। तो इंशाल्लाह मैं आपको आगे मिलूँगी थोड़ी देर में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको और टेक्सचर सीलिंग का दिखाऊंगी। ये इतना खूबसूरत टेक्सचर ही मेरे भाई ने पसंद किया था, और जब मैंने शैंडलियर बंद करके सिर्फ ये जो LED लाइट्स ऑन करी थी उसका, ये आप देख सकते हो ऐसा लगता है क्लाउड्स हैं ऊपर, ये टेक्सचर बहुत ही खूबसूरत हुआ था। आप इसकी ब्यूटी मैं सच में बता रही हूँ मैं कैप्चर नहीं कर सकती। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ मेरे बहन का घर है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि वाकई बहुत ही जो जगह का यूटिलाइजेशन हुआ था और जो कलर कॉम्बिनेशन से बहुत ही खूबसूरत थे। सो गाइज, अभी ऑलमोस्ट सारी अनपैकिंग हो चुकी, थोड़ा बहुत बचा है किचन का जो गैस वगैरह लगनी है। और अभी 3:15 बज रहा है, अभी हम लोग थोड़ी देर में घर के लिए भी निकलेंगे, क्योंकि सबकी बहुत सुबह से, मेरे हस्बैंड के, मेरे जो भाई हैं और सबकी सुबह से हालत ख़राब है लगे हुए हैं, और अभी भी उन लोग काम ही कर रहे हैं, उन लोग गैस लगा रहे हैं, उन लोग चालू करने वाले हैं, क्योंकि सुबह जब मेरी बहन वहन उठेंगे तो फिर उन लोग को नाश्ते की भी ज़रूरत होगी इस वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर भी आपको देख चुके हो, बहुत अच्छा है, बहुत आई एम सो हैप्पी फॉर हर, एंड बस अल्लाह उसको सारी खुशी दे, हर हर सेहत दे उसको, खुशी दे। तो बस मैं तो बहुत खुश हूँ। मैंने सोचा आपको बता दूँ कि अभी हम लोग यहीं पे हैं, 3:15 बज गए हैं, आगे अगर और होंगे तो मैं आपको बताती हूँ। तो लेट्स एंजॉय, थोड़ा अभी मैं रुक के जाऊँगी किचन में, क्योंकि मैंने थोड़ा करके बैठी हूँ, फिर जाऊँगी करने, थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा दूँगी। और अभी हम लोग ने मील्स ऑर्डर करे थे, रात हो चुकी थी, तो हम लोग ने पिज़्ज़ा और चॉकलेट पिज़्ज़ा, सारा चिकन विंग्स और बहुत सारी चीज़ें थी जो ऑर्डर करी थी, ब्रेड, गार्लिक ब्रेड थी। और अब बिस्तर भी बिछ रहा था क्योंकि हम सबको अब थकान हो गई थी, नींद भी आ रही थी, तो सोफ़ा कम बेड बनाया था तो हम लोग उसमें बिस्तर बिछा के लेट रहे थे। गाइस, पूरा प्लान चेंज हुआ है, अब हम लोग रुकने का प्लान कर रहे हैं। तो अभी 4:45 बज रहा है, हम लोग जा रहे हैं सोने, बिस्तर बिछ चुका है, सोफे पे ही मैं हम लोग सोने जा रहे हैं, और मैं आपसे इंशाल्लाह सुबह मिलती हूँ। सब हंस रहे हैं मुझ पर, तो इंशाल्लाह मैं आपसे अब सुबह मिलती हूँ। बाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और
अभी हम लोग, जैसे कि आपको पता है रात में मैंने बता दिया था कि हम लोग को रुकना पड़ गया क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई थी रात में, तो अभी भाई मेरे नाश्ता लेकर आए, मतलब जो ज़रूरत का जैसे दूध अंडा ये सब लेकर आए अभी, तो वही सब किचन में अभी बन रहा है नाश्ता सुबह का। और अभी बज रहे हैं 10:22 हो रहे हैं वैसे, तो अभी नाश्ता वाश्ता करेंगे इंशाल्लाह। आज मेरे भाई का भी बर्थडे है तो उसके लिए एक स्पेशल ऑमलेट बन रहा था, जो कि एक फ्लफी ऑमलेट विद स्माइली था उसमें, और उसके साथ ब्रेड्स भी टोस्ट करके दी जा रही थी, ये मेरी बहन को चॉपिंग कर रही थी उसके साथ। आप यहाँ पे इसका एग देख सकते हो, फ्लफी स्माइली एग, उसका ऑमलेट ऑलमोस्ट हो चुका था रेडी, फ्लफी ऑमलेट विद स्माइली। तो उसके लिए अब प्लेट में हैप्पी बर्थडे भी लिखा था, जिसको देख के वो बहुत ही खुश हो गया था। उसका मैंने कैप्चर किया था लेकिन उसने मना किया था मुझे डालने के लिए, ही इज़ वेरी शाय गाइज़। अब ये मेरा किटन वाला हो रहा था जिसमें उसका एक कान थोड़ा खुल गया था एक कान नहीं बन पाया सही से। तो यहाँ पर हम लोग दोनों, मेरी बहन और मैं, नाश्ता कर रहे थे बैठ के, और बस नाश्ता करके अब निकलने भी वाले थे घर के लिए। सो रात में मेरे को पार्किंग एरिया में ये गार्डन नहीं दिखा था, लेकिन मैंने सोचा आप लोग को दिखा दूँ कितना क्यूट सा है। यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन बनाया बच्चों के लिए और ये पार्किंग एरिया के जस्ट सामने ही था। और यहाँ का मुझे सोसाइटी बहुत अच्छी लगी, यहाँ का जो एम्बियंस है वो भी बहुत खूबसूरत लगा। गाइज अब हम हो रहे हैं घर को रवाना, और उसी के साथ यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग को भी एंड करूँगी और अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर करके, इस वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी है, और मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके मेरे चैनल से रिलेटेड जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ। ठीक है, तो मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिए।